नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज ना पहले मैं इस न्यूज़ को टेक न्यूज़ में देने जा रहा था, जो हमारी ऑटो टेक न्यूज़ होती ना उसमें देने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी और भी न्यूज़ देनी थी तो इस न्यूज़ को थोड़ा अलग से ही देते हैं, क्योंकि ना ये थोड़ी सी स्पेशल है और टैक्स से रिलेटेड भी बहुत थी, जो शायद आपने भी अब शायद न्यूज़ में आपको बुलेटिन में देखने को मिल जाए कि जो ये जो एम्स हमारे देश का प्रतिष्ठित एक हॉस्पिटल है एम्स, उसके सर्वर को है ना कुछ लोगों ने हैक कर लिया है। और ये शायद आपको न्यूज़ की आज बुलेटिन में देखने को मिल गया होगा या मिलने वाला होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये आज से नहीं लगभग 6 दिन से ऐसा हो रहा था, और दिल्ली पुलिस में इसकी कंप्लेन भी की गई है, और पुलिस और अदर लोग भी इस चीज़ को सुलझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि है ना जो हैकर्स हैं ना अब उनकी एक डिमांड भी सामने आ गई है कि वो लोग अब 200 करोड़ रुपए मांग रहे हैं साइट को वापस रिज्यूम करने के लिए, हैकिंग फ्री करने के लिए, और वो भी कैश या चेक में नहीं, एक क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में उन्होंने पूरा अमाउंट मांगा हुआ है। तो देखते हैं क्या आगे रिजल्ट होता है। ज़्यादा खबर नहीं दी जाएगी क्योंकि न्यूज़ और वगैरह में आके बात फैल जाएगी और जिसने ये काम किया है को पकड़ना थोड़ी मुश्किल होगी। जब ये काम हो जाएगा, जब जिसने हैक किया है जो इसके के पीछे लोग हैं उनको जब पकड़ लिया जाएगा तब उसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। अभी फिलहाल इतनी न्यूज़ है, देखते हैं आगे क्या होता है। दिल्ली पुलिस और सब लोग लगे हुए हैं उन हैकरों को पकड़ने के लिए, और बहुत ज़्यादा डेटा भी होगा इसके अंदर, तो इसे बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। तसन वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में आउट एंड टेक्निक से कुछ अन्य खबरों के साथ।